हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने गेहूँ इकट्ठी कर दी है, हम जब निकलवाएंगे तो हम दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, गेहूँ निकालने की मशीन हमने लगाई है। ये देखिए लगे हुए हैं हम लोग, ये सब लोग। ये देखिए आज दोस्तों सुबह बारिश आ गई थी और फिर हमने इसको तिरपाल से ढका, क्योंकि आपको तो मैंने पहले ही बताया था देहरादून का मौसम का कुछ पता नहीं रहता, कब बारिश आ जाए, कब मौसम खुल जाए, कब पल में 16 पल में मासा रहता है। देहरादून का मौसम तो मशहूर है, आपको पता ही है। तो देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल से ये मशीन मिली है। कल भी पूरा दिन हम लोग परेशान रहे, मेरी सासू माँ और मेरे पति जी और जेठ जी सब लोग मशीन देख रहे थे। फ़ोन किया जिन जिन का नंबर था, सब लोग यहाँ से चले गए हैं, जहाँ जहाँ से सब आए थे। दूसरे वहाँ से आते हैं, वो लोग रुड़की से आता है कोई, कोई हरियाणा साइड से मशीन लेकर आते हैं इधर सीजन में, तो वो लोग सब चले गए थे। ये बड़ी मुश्किल से मशीन मिली है दोस्तों, देखिए। लेकिन इसमें जो है गेहूँ लगाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, वो बड़ी मुश्किल से ये जो भैया लगा रहे हैं गेहूँ, ये जिनका ये खेत है वो लगा रहे हैं। और ये साइड में हमारी है थोड़ी सी, देखिए ये देखिए, ये देखो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लाख खा नहीं यहाँ पर, लाख मतलब ये गेहूँ है हमारी, ये ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए मशीन आ भी नहीं रही थी जल्दी, क्योंकि 2-3 बीघा होता तो आ जाती जल्दी, थोड़े से के लिए तो मशीन वाले आते नहीं जल्दी। तो ये देखिए बस ये है दोस्तों, अब आप लोगों की दुआओं से और हम लोगों की मेहनत से हम लोग अब अपना ये अनाज जो है भीगने से बचा पाएंगे और सूखा सूखा इसको हम अपने घर में रख पाएंगे। बस ये है कि थोड़ा हमारा भूसा बाहर अभी पड़ा हुआ है, पहले का जो हमने गेहूँ निकलवाई थी उसका, क्योंकि रखने के लिए अभी जगह हमने नहीं बनाई है, तो उसके लिए हमें बोरे वगैरह सिलने पड़ेंगे और तब हमें रखना पड़ेगा, वो जगह देखनी पड़ेगी। और ये वाला भूसा है, अगर बारिश आ गई दोस्तों तो फिर इसको हमें ढकना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे डंगर आते हैं। ये देखिए कितने डंगर खेत में देखिए घास खा रहे हैं, और अभी तो हम लोग खेत में हैं तो इसलिए उधर है, नहीं तो ये तो गेहूँ में आ जाते। नमस्ते जी, और ठीक हो? और नेहा ठीक है? और ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये भैया जो पीली शर्ट में जा रहे हैं, ये मेरी बहन भी यहीं पर पड़ोस में शादी हो रखी है, उनके हस्बैंड हैं, ये देखने आए हैं गेहूँ। देखो दोस्तों, और ये जब डंगर खेत में घुस जाते हैं तो पूरा गेहूं की बाली बाली खा लेते हैं और वो छोड़ देते हैं, तो दोस्तों इसलिए हमें इसकी रखवाली भी करनी पड़ी, कहीं गाय सांड ये सब ना खा लें इसको। देखिए बादल हो रखा है अभी, ये देखिए बारिश आज शाम तक की बताई है, शाम को बारिश, तो हो सकता है शाम को बारिश आ जाए, इस वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर मशीन नहीं मिलेगी तो कैसे निकल पाएगा। ये हमारी जो सासू माँ है, मम्मी जी हमारी, वो बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे करें क्या करें, और ये है कि उनकी वो बहुत मेहनत करती हैं खेत में, हम लोग तो बस ये है कि वो बीहू गेहूँ कटवा देते हैं, और वो लेकिन वो तो पूरा साल भर मेहनत बहुत करती हैं। अच्छा दोस्तों नमस्ते, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। हम लोग वीडियो बनाते हैं बहुत टाइम मुश्किल से निकाल के, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं खेती बाड़ी के काम करने वाले किस तरह टाइम निकालते होंगे, हम सब वीडियो बनाते हैं। ये देखिए तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, सहयोग की,
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें आप। ये देखिए इधर भूसा निकल रहा है, ये देखिए मशीन में डर भी लगता है, क्योंकि जो लोग ये काम करते रहता है उनको तो आदत रहती है, और जो कभी बाई चांस करते हैं तो डर लगता है ना कहीं हाथ वगैरह ना चला जाए इस मशीन में। क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा और हमने भी सुना है कि हाथ से हो जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसमें जो गेहूँ लगाने का काम है थोड़ा रिस्की है। अच्छा दोस्तों, अब हमारा लाभ लगने वाला है मशीन में, तो अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें। बाय।